पानी के लिए। सो है गाइस, कैसे हो, आई होप का पर्सन गाइस। सो गाइस, सभी के बच चुके हैं और आपसे सबसे पहले तो आपको सर गुड आफ्टरनून। और गाइस, मैं ब्लॉग को अभी शुरू कर चुका हूँ और मैं आया हुआ हूँ आज जगदलपुर के रेलवे स्टेशन में आया हुआ और आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा है भाई। बताऊँ, बहुत लंबा सफर करके आया मैं बाइक से, तो इस कारण मैं ब्लॉग घर से मतलब चालू नहीं कर पाया, तो यहीं पर स्टार्ट कर दिया हूँ मैं ब्लॉग और आपको दिखाऊंगा यहाँ का रेलवे स्टेशन, जगदलपुर का रेलवे स्टेशन बहुत एकदम सुनसान और अच्छा है। रायपुर में तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है और भी जगह जगह, लेकिन यहाँ पे एकदम कोई आदमी नहीं रहता है, एक दो रहते हैं और मालगाड़ी ज़्यादा यहाँ पे, मालगाड़ी का यूज होता है, साथ जो गिट्टी उट्टी आता है ना बचली उछली से रहता है। और गाइस, कोई ट्रेन आ रहा है शायद, आ रही है तो पीछे से आ रहा है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा, देख लेना खुद ही, चलो ठीक है। चलो गाइस, मैं सामने से दिख रहा हूँ। सो गाइस, देख सकते हो यार, फिर से वहाँ पे मालगाड़ी आ चुकी है, देखो बहुत लंबा रहती है मालगाड़ी। और यही है यू जगदलपुर का रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत है, जंगलों के बीच में, ये देख सकते हो, यही है दोस्तों, ये सब ब्रिज है, हम लोग ब्रिज के ऊपर में, और इधर भी देख सकते हो ऊपर भी काफी सीन दिख रहा है दोस्तों, जो बादल दिख रहा है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर भी देखिए, उधर पूरा ट्रको ट्रक लगा हुआ है, जो मालगाड़ी है ना वहाँ पे गिट्टी लोड होता है, इसी कारण बहुत ज्यादा ट्रक का ना ट्रैफिक लग चुका है उधर, देखो बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे देखिए, यहाँ पे मालगाड़ी और भी एक मालगाड़ी आ रही है, वहाँ पे देख सकते हो आप, यही है जगदलपुर का रेलवे स्टेशन, अगर नहीं देखो तो देख सकते हो आप। और वहाँ पे कुछ डॉग भोंक रहे हैं और यहाँ पे देखिए झाड़ पे पूरे झाड़। और दोस्तों, यही है जगदलपुर का रेलवे स्टेशन, कमेंट में बताना कैसा लगा। चलो, मैं दिखाने के प्रयास किया, चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ मैं, बाकी कमेंट में बताना कैसा लगा जगदलपुर का रेलवे स्टेशन। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मतलब पहली बार आया हूँ ना मैं यहाँ रेलवे स्टेशन। चलो गाइस,